बोल मेरे श्री गुरु महाराज की हमारे प्यारे महाप्रभु जी चंद रोज पहले जो पाकिस्तान और दुबई की विदेश यात्रा करके आए हैं उसका संक्षिप्त विवरण श्री चरणों में भेंट किया। श्री मौज हुई कि इसे पढ़कर सबको सुनाया जाए। कुछ एक दिव्य लीलाओं को दासी आपके समक्ष प्रस्तुत करती है। प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय भक्ति विधाता श्री परमहंस सद्वैत मत के अधिष्ठाता श्री सद्गुरु दाता श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज जीवों के कल्याण के लिए पथ पर दर्शक बन इस धरा पर अवतरण ले गुरुमुख संस्कारी आत्माओं को भक्ति की पावन गंगा में मज्जन करवाने के लिए महान परोपकारी बन स्थान स्थान पर विचरण किया। अपनी ही दुर्दर्गाही मौज से महातीरथ श्री अनंतपुर धाम की विशाल रचना का संकेत दिया। आज उनकी ही असीम अनुकंपा से लाखों करोड़ों जीव इस पावन स्थल पर आकर भक्ति और रूहानियत की सच्ची संपदा को पाकर लाभान्वित हो रहे हैं और मानव जन्म के ध्येय को पाकर जीवन सकारत कर रहे हैं। महाराज अधिराज जीवों के खैखवा साक्षात पारब्रह्म श्री परमहंस दयाल जी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा जिला करट के टेरी गांव में भगत अमीरचंद जी के घर में अपनी ही मौज से 10 जुलाई सन 1919 को निस्सब रूप में लीन हो गए। इस पुण्य धरा पर महासमाधि का निर्माण कर इसे एक मंदिर का रूप प्रदान किया गया। सन 1947 में देश विभाजन हो जाने से ये स्थान पाकिस्तान के अंतर्गत हो गया। पाकिस्तान हिंदू परिषद के संरक्षक और नेशनल असेंबली के सदस्य भगत रमेश कुमार जी ने श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी से श्री आज्ञा पाकर समस्त संगत के सहयोग से मंदिर का पुनर्निर्माण करके इसे अति भव्य रूप में प्रकट किया। इन गुरुमुखों की तीव्र मांग और हार्दिक विनय को स्वीकार कर परम हितैषी परम दयालु महाप्रभु श्री षष्ठम पातशाही जी महाराज ने इस धरती को कृतार्थ करने का कार्यक्रम बनाया। आपने श्री प्रयागराज से 19 तारीख को प्रस्थान कर बंबई चेंबूर आश्रम पर कृपा फरमाई। वहां हजारों प्रेमियों को दर्शन एवं पावन प्रवचनों से निहाल कर 22 नवंबर रात्रि 2 बजे बंबई एयरपोर्ट पर पहुंचे। एमिरेट्स प्लेन में विराजमान होकर दुबई आश्रम पर कृपा की। चिरकाल पश्चात श्री प्रभु जी की मनोहारी सुंदर छवि को निरख कर वहां के प्रेमी गुरुमुखों की प्रसन्नता का कोई पारावार न रहा। सब खुशियों में झूम जमाते हुए श्री प्रभु जी के गुणवाद गाने लगे और उन्हें घर बैठे ही श्री दर्शनों से कृतार्थ करने के लिए कोटि कोटि आभार प्रकट करने लगे। रात्रि समय पुणे एमिरेट्स प्लेन में विराजमान होकर आज दिनांक 24 शुक्रवार को प्रातः 7 बजे संत मंडली और भक्तों सहित पाकिस्तान पेशावर एयरपोर्ट पर पधारे। देश विभाजन के पश्चात आपने प्रथम बार जब इस धरती पर चरण छुआए तो इस धरती ने अपने भागों की सराहना करते हुए कोटि कोटि वंदना की। यही सौभाग्यशाली स्वर्णिम ऐतिहासिक दिवस था जब सर्व मंगलकारी परम हितकारी श्री हजूर सदगुरुदेव महाराज जी ने टेरी की टेक सुनकर इस पुण्यवती धरा पर कृपा फरमाई। आपके आगमन से सब और मंगल ही मंगल छा गया। आपके दिव्यमान मुखमंडल से निकल रही ज्योतिर्मय रश्मियां प्रत्येक हृदय को रोशन करने लगी। सब संगत में नवीन उत्साह और उल्लास भर गया। श्री प्रभु जी की अपनी प्रसन्नता की भी कोई सीमा ना थी। उसी सुखद वेला में आपने अपने पावन कर कमलों से श्री परमहंस दयाल जी के दिव्य अति दिव्य स्वरूप को हार व पीतांबर पहनाया, श्री मस्तक पर केसर तिलक लगाया। तत्पश्चात समस्त संत मंडली एवं संगत सहित श्री आरती पूजा का संपूर्ण कार्यक्रम हुआ। वहां उपस्थित हजारों की संख्या में प्रेमी गुरुमुखों ने इस सुदर्य अवसर का परम लाभ को प्राप्त किया ही उसी सुमंगल घड़ी में श्री आज्ञा अनुसार श्री अनंतपुर धाम श्री प्रयाग धाम देश विदेश व संपूर्ण विश्व में बने हुए अन्य सभी बड़े आश्रमों प्रत्येक कुटिया प्रत्येक घर
प्रत्येक गुरुमुख, चाहे वे ऑफिस में था चाहे अन्य किसी काम कर, सबने बड़े ही हर्ष और उल्लास से श्री परमहंस दाता दयाल जी की श्री आरती पूजा एवं भजन ध्यान करके अतीव आनंद की अनुभूति की। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो समस्त अंड ब्रह्मांड एवं सृष्टि परमेश्वर के साक्षात अवतार श्री परमहंस दयाल जी महाराज की पूजा आराधना स्तुति और गुणगान में निमग्न होकर उनका जय घोष कर रहे हैं। इस सुखद समागम के पश्चात प्रत्येक स्थान पर प्रसाद वितरित हुआ और भंडारे किए गए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की असीम अनुकंपा से दिव्य स्मृतियां संजोए 23 नवंबर सन 2021 का ये महान ऐतिहासिक दिवस सब गुरुमुखों के हृदय पटल पर अमर याद बनकर सदा सदा के लिए अंकित हो गया। वहां उपस्थित समस्त संगत को संबोधित करते हुए महाप्रभु जी ने अपने पावन वचनों में फरमाया, आज आप सब जितने भी गुरुमुख यहाँ एकत्र हुए हैं, श्री परमहंस दयाल महाराज जी की याद में सभी ने भक्ति प्रेम से श्री आरती पूजा और आराधना की है। चिरकाल से गुरुमुखों की ये मांग थी कि ऐसा समागम इस पवित्र स्थान पर हो, तो आज श्री अनंतपुर दरबार के महात्मा जन भी यहाँ आए हैं और यहाँ ये समागम हो रहा है। इस खुशी में हर एक गुरुमुख को बहुत बहुत बधाई हो। महापुरुषों का संसार में आना जीवों के कल्याण के निमित्त हुआ करता है। वे यही चाहते हैं कि जो हमारे सेवक हैं, महापुरुषों के चरणों से जुड़े हैं, यहाँ कहीं भी रह रहे हैं, पूरा पूरा रूहानी फैज उठाएं। ऐसा तभी हो सकता है जब गुरुमुख जन महापुरुषों की आज्ञा में चले और श्री गुरु महाराज जी की पूजा आराधना करें। महापुरुषों का विशाल हृदय दया से भरपूर होता है। वे समस्त विश्व का कल्याण चाहते हैं। आपने भी गुरुमुखों पर अपार कृपा बरसाते हुए डॉक्टर रमेश कुमार को फरमाया कि हम ये चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा प्रबंध करें जिससे देश विदेश एवं विश्व के कोने कोने में रहने वाले प्रेमी गुरुमुख जन इस पुण्य तीर्थ स्थल पर आकर श्री परमहंस दयाल जी महाराज के पावन दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त कर सके। महाप्रभु जी की इस मौज को श्रवण कर भगत जी पहले तो एकदम मौन हो गए, परंतु हृदय की गहराई से विचार किया तो पाया कि महापुरुषों के प्रत्येक मौज को पूर्ण करने के लिए कुदरत की समस्त शक्तियां स्वयं सेवा हेतु प्रस्तुत रहती हैं। सेवक को तो श्री आज्ञा शिरोधार्य कर केवल प्रयास करना है। हुआ भी यही, लगभग असंभव सा दिखाई देने वाला ये कार्य श्री प्रभु जी की कृपा से चंद दिनों में ही संभव हो गया। सभी गुरुमुखों के लिए इस महातीर्थ का द्वार खुल जाना एक महान उपलब्धि है जो किसी वरदान से कम नहीं। आपके इस महामहिम उपकार के लिए समस्त गुरुमुख जन, समस्त संप्रदाय ऋणी है और ऋणी रहेगा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। यहाँ का शुभ समागम संपूर्ण होने के पश्चात आपने सिंध की ओर प्रस्थान किया। भगत जी के प्रयास और सहयोग से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने अपनी सेवाएं प्रदान करते हुए कराची से हैदराबाद सिंध की ओर जाने के लिए 150 यात्रियों के लिए विमान की सुव्यवस्था कर दी। लगभग 3 घंटे की उड़ान भरता हुआ विमान सिंध की धरती पर उतरा। आज सिंध की धरती चिरकाल पश्चात अपने प्रेम के देव को पाकर लहलहा उठी। श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने सन 1939 में इसे अंतिम बार कृतार्थ कर पुनः श्री अनंतपुर में निवास कर लिया। आज 82 वर्ष पश्चात वही पुरातन इतिहास पुनः सजीव हो उठा जब प्रेम के अवतार, प्रेमियों के आधार श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी ने यहाँ कृपा फरमाकर सब प्रेमियों को प्रेममय दृष्टि से निहारा। चहुं ओर प्रेम का रंग छिटकने लगा। हर प्रेमी का हृदय प्रेम के विलक्षण रंग में सरसाने लगा। भगत जन प्रेम में तन्मय होकर अपने तन मन की सुध भुला बैठे। उन्हें प्रेम की सरिता में मज्जन करता हुआ देख महाप्रभु जी भी प्रेम विभोर हो गए। सब तरफ प्रेम ही प्रेम का साम्राज्य छा गया। हजारों की संख्या में प्रेमी जनों ने इस प्रेमामृत को पीकर अपने भाग मनाए। यहाँ तक कि अमेरिका, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर एवं यूरोप के कई अन्य देशों से आए हुए गुरुमुख प्रेमियों ने भी इस स्वर्णिम अवसर का पूरा पूरा लाभ उठाया। 5 दिन तक यहाँ सत्संग की अविरल धारा बहती रही।
अमीय रस बरसता रहा, जिसमें मज्जन कर गुरुमुखों ने जन्म जन्मांतरों की तृष्णा को शांत किया। श्री वचन हुए, यहाँ के प्रेमी गुरुमुखों का प्रेम बहुत ही निराला है। इसी प्रेम के आकर्षण में बंधे हम आज यहाँ खींचे चले आए हैं। प्रेम ही खुद प्रभु को घर बुलाता है। हम देख रहे हैं कि हजारों ही प्रेमी आज यहाँ इसी प्रेम और भक्ति की दात को पाने के लिए एकत्र हुए हैं। हम आप सबके प्रेम और सेवा पर बहुत प्रसन्न हैं। श्री परमहंस दयाल जी की लीला और महिमा त्रिलोकी से न्यारी है। आप सब गुरुमुख भाग्यशाली हैं जो उनकी शरण में आए हैं। अब आपका यही फर्ज हो जाता है कि सब भक्ति के पांचों नियमों की पालना करें और महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त करें। हर प्रेमी को आनंद के महासागर में डुबकी लगवा अब आपने कराची शहर की ओर प्रस्थान किया। समस्त संगत को पावन श्री दर्शनों का सौभाग्य प्रदान कर श्री प्रभु जी ने सबको भक्ति व नाम की अनमोल निधि से मालामाल कर दिया। सभी को श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने का अवसर प्राप्त हुआ। श्री चरणों की समीपता पाकर प्रेमी गुरुमुखों ने हृदय में आनंद का झरना प्रस्फुटित हो उठा। उन्हें भक्ति का पथ दर्शाकर और पांच नियमों में पाबंद कर आपने आगे दुबई की ओर प्रस्थान किया। महाप्रभु जी के शुभ आगमन से दुबई वासी प्रेमी गुरुमुखों के हृदय कमल अनूठी खुशी से खिल उठे। प्रेमी भगत थारी जी के घर को पावन चरण रस से पवित्र कर आपने आश्रम पर कृपा फरमाई। सभी गुरुमुख जन शुभ स्वागतम के भजन गाकर अपने हृदय के उद्गार प्रकट करने लगे। उन्हें भक्ति व प्रेम के रंग में रंगा हुआ देखकर आपको अति प्रसन्नता हुई। सबका कुशल क्षेम पूछते हुए आपने अपने पावन अनमोल वचनों में फरमाया, नानक तिना बसंत है जिन घर बसिया कंत, जिनके कंत दिशापुरी से अहनिशी फिरही चलन। उनके जीवन में ही बसंत बहार है, जिन्होंने अपने दिल में अपने इष्ट देव को बसा लिया है। जो उनकी आज्ञा मौज में चलता हुआ भजन सुमिरन करता है तो समझो उसके जीवन में फिर आनंद ही आनंद है। जो अपने इष्ट देव की याद से काफिल है, भूला हुआ है, वह सदैव दुखी और परेशान रहता है। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं कि भले ही दुनिया में रहो परंतु दुनिया के सामानों को अपने दिल में ना बसाओ। दिल के अंदर केवल अपने मालिक का नाम ही बसाना है ताकि उसे आत्मिक शांति और सुख की प्राप्ति हो सके। इस प्रकार श्री वचनों द्वारा मानुष जन्म की श्रेष्ठता और इसके लक्ष्य की जानकारी देकर आपने गुरुमुखों के हृदय में भक्ति को सुदृढ़ और परिपक्व किया। सबने गुरु महिमा और उपकारों के भजन गाए। सच्चे गुरुमुख का यही कर्तव्य होता है कि स्वयं गुरु आज्ञा में चलता हुआ भक्ति पथ की ओर अग्रसर हो और अपने संपर्क में आने वाले जीवों को भी सतपथ दर्शाए। महात्मा परम नित्यानंद जी और भाई दयाल सागरानंद जी ने अपने जीवन को गुरु आज्ञा में ढालकर अथक परिश्रम द्वारा हजारों लाखों जीवों में भक्ति और नाम का बीज रोपण कर दिया। श्री सतगुरु देव महाराज जी ने जिसे अपने साकार श्री दर्शनों और असीम प्रेम से सींच कर पुष्पित पल्लवित कर दिया। हर हृदय में भक्ति की नवीन तरंग और उमंग उमड़ पड़ी। प्रेमी गुरुमुखों को ज्ञान की रोशनी से प्रदीप्त कर आपने 3 दिसंबर रात्रि को वहां से प्रस्थान कर स्वदेश में बेंगलोर की धरती पर चरण छुआए। जब कारण प्रभु श्री परमहंस सतगुरु देव महाराज जी ने विदेश की गौरवशाली यात्रा संपूर्ण कर जब प्रातः काल के अरुणिम वेला में भारत की धरा को पावन किया तो प्रत्येक गुरुमुख जहां भी था हर्ष अतिरेक से झूम उठा। पूरे भारत वर्ष में मानो खुशियों का महासागर उमड़ आया जिसका वेग संभाले न संभलता था। आज प्रत्येक गुरुमुख इस वेग में स्वयं को समर्पित कर सदा सदा के लिए खुशहाल होने का इच्छुक था। रंग बिरंगी लाइटों से सुसज्जित विवेक धाम आश्रम अपने भावों की सराहना करते न आगाता था। ढोल शहनाइयां बज उठी, हर कोई अपने प्रियतम की झलक पाने को ललायित था। मधुर मधुर हॉर्न बजाती हुई श्रीकार ने जब आश्रम में प्रवेश किया तो गुरुमुखों ने श्री प्रभु जी की जय जयकार करते हुए पुष्पमालाएं और गुलदस्ते भेंट किए। श्री सतगुरु देव महाराज जी ने सफर की अत्यधिक थकान होने पर भी आते ही श्री मंदिर जी में श्री परमहंसों की दिव्य छवियों को माथा टेका और श्री आरती पूजा की। दिल्ली पंजाब मद्रास
व आसपास के अन्य शहरों से संगतें यहाँ पहले ही पहुंच गई थी। यहाँ से 7 दिसंबर प्रातः विमान द्वारा भोपाल होते हुए श्री आनंदपुर धाम की ओर प्रस्थान किया। श्री आनंदपुर धाम की नगरी प्रभु आगमन का सुखद समाचार पाकर खुशियों से सराबोर हो गई। वातावरण में दिव्य सुगंधि छा गई। बादल उमड़ घुमड़ कर इस पावन समारोह में सम्मिलित होने के लिए आतुर हो उठे। उधर सूर्य और चंद्रमा में भी परस्पर होड़ लग गई कि प्रभु मिलन के इस अवसर का सर्वप्रथम कौन साक्षी बनेगा। श्री आनंदपुर की नगरी आज अपने भाग्यों पर इठलाती हुई आनंद का महास्रोत बन आनंद ही आनंद बरसा रही थी। क्लॉक टॉवर से लेकर दिव्य सत्संग भवन तक के मार्ग को इंद्रधनुष के रंगों को बिखेरती हुई बिजली की टिमटिमाती लड़ियों से सजाया गया। पुष्प लड़ियों से सुंदर गेट बनाए गए और बंधन बार सजाए गए। हर्ष उल्लास से भरे इस वातावरण में सब प्रेमी तन बदन की होश भुलाकर महाप्रभु जी के आगमन की प्रतीक्षा में आंखें संजोए बैठे थे। उधर तारागण सहित चंद्रमा भी गगन मंडल में उदय होकर अपनी सुशीतल धवल किरणें बरसाता हुआ अपनी किस्मत पर फूलाना समा रहा था। रात्रि के लगभग 10 बजे हंस की गति से चलती हुई श्री कार में मंद मंद मुस्कुराते हुए दोनों कर कमलों से आशीर्वादों की बौछार करते हुए हृदय सम्राट श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने जब यहाँ प्रवेश किया तो इस मधुरम दृश्य को निरख कर गुरुमुख जनों के हृदय में अपार आनंद छा गया। ढोल मंजीरे व शहनाइयां बज उठी। श्री कार के आगे आगे भक्त जन भक्ति भाव से पूर्ण शुभ स्वागतम के गीतों को गाते हुए नृत्य करने लगे। उस समय की खुशी का वर्णन करना जीवा की सामर्थ्य से बाहर है। ऐसा लग रहा था कि जड़ चेतन सब ही आनंद मगन होकर मस्ती में झूम रहे हैं। दिव्य सत्संग भवन की शोभा भी न्यारी थी। दीवारों पर प्रभु आगमन के दोहे सुंदर बोर्डों पर लिखकर लगाए गए। झिलमिल करती हुई लाइटों और पुष्प लड़ियों से सुसज्जित इस हॉल में जब प्राणधन प्यारे प्रभु जी ने प्रवेश किया तो भक्तों ने जयकारों की ध्वनि से इसे गुंजायमान कर दिया। सुंदर सिंहासन पर विराजमान होकर आपने सबकी कुशलात पूछी। हर चेहरे पर रौनक और हर दिल में असीम खुशी छा गई। इधर श्री प्रयागराज के प्रेमी भी तीव्र उत्कंठा लिए प्रभु आगमन की बाट जो रहे थे। उनकी पुकार पर आपने 16 दिसंबर प्रातः श्री आरती पूजा के पश्चात श्री आनंदपुर धाम से अशोकनगर बासाखेड़ी होते हुए भोपाल से विमान द्वारा 17 दिसंबर को यहाँ कृपा फरमाई। जिस प्रकार पूनम के चांद की किरणों का स्पर्श पाते ही सागर की लहरों में उफान आ जाता है और वे उछल उछल कर मानो चांद से एकाकार होने का प्रयास करती हैं, इसी प्रकार जैसे ही महाप्रभु जी ने श्री प्रयागधाम की धरा पर चरण छुआए सब प्रेमियों के हृदय दिव्य आनंद की मस्ती में झूमने लगे। अपने प्राणधन को सम्मुख पाकर हर प्रेमी का रोम रोम पुलकायमान हो गया। श्री प्रयागधाम की नगरी अपने करुणा निधान प्राणों के प्राण महाप्रभु जी का शुभ स्वागत करने हेतु खूब सजी धजी हुई थी। सुसज्जित सिंहासन पर विराजमान होकर श्री प्रभु जी ने कुशल क्षेम पूछकर हर हृदय को प्रफुल्ल कर दिया। महापुरुषों की प्रभुताई के विषय में किसी पंजाबी कवि ने लिखा है, छठ धुर धाम नुआ धरा धाम उते भक्ति नाम दी गंगा बहाम देने कष्ट सह के हजारा कोमल तन उते तप दिया रूहां दी तपन मिटाम देने जीवन कर दें दे ए कुर्बान सारा अपने भगतानू सुखी बनाम देने युग युग रहो सलामत साईं मेहरा दे तेरे दास सदा एहो जाम देने युग युग रहो सलामत सिर ताज मेरे
दुआवा करन दास एहो चाम देने। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज।